सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा व्हाट्सअप से संबंधित। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी ने व्हाट्सअप पर ब्लॉक किया हुआ है और आपको उसके पास कोई अर्जेंट मैसेज भेजना है जिसमें कोई वीडियो क्लिप है या कोई फ़ोटो है, तो कैसे आप उस इंसान के पास वो मैसेज भेज सकते हो बिना अनब्लॉक हुए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि उस तरीके को अपनाने के बाद आप ब्लॉक लिस्ट में रहने के बावजूद भी सामने वाले के पास मैसेज भेज सकते हो, चाहे उसमें कोई वीडियो हो या फ़ोटो हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है और क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है। तो बिल्कुल भी दोस्तों वीडियो स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाट्सअप एक ऐसा सोशल ऐप है जिस पर लोग बात कम और अपना वर्क ज़्यादा करते हैं। जब से व्हाट्सअप आया है, लोगों ने उसे अपना वर्किंग प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी ने व्हाट्सअप पर ब्लॉक किया है और आपको उसके पास कोई अर्जेंट मैसेज भेजना है जिसमें कोई वीडियो क्लिप है या कोई फ़ोटो है, तो आप क्या तरीका अपना सकते हो और किस तरीके से भेज सकते हो। दोस्तों, इससे पहले मैंने कई वीडियो देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर हमें कोई ब्लॉक कर देता है तो कैसे हम अपने आप को अनब्लॉक करें। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने कई वीडियो देखी थी, उन सारी वीडियो में मुझे कोई ऐसा तरीका देखने को नहीं मिला जिससे मैं ये समझ पाऊँ कि आप अपने आप को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। एक वीडियो में तो मैंने देखा था कि उसमें ये बताया गया था कि अगर आपको कोई ब्लॉक कर देता है तो आपको अपने उस व्हाट्सअप अकाउंट को डिलीट कर देना है और फिर से उसी नंबर से अकाउंट बनाना है, तो आप अनब्लॉक हो जाओगे उस नंबर से। दोस्तों, ये तरीका ही मैंने अपना कर देखा था तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, सिर्फ एक यही तरीका है कि अगर आपको अनब्लॉक होना है किसी के नंबर से, तो आपको अनब्लॉक सिर्फ वही कर सकता है जिसने आपको ब्लॉक किया है। तो ये तरीका आप छोड़िए, मैं आपको ले चलता हूँ मेन टॉपिक पर कि अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया है तो कैसे आप उसके पास कोई भी मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना व्हाट्सअप ओपन करना है और आपको व्हाट्सअप में ओपन करने के बाद इस साइड में थ्री डॉट दिख रही होंगी, ऊपर थ्री डॉट, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री डॉट पर क्लिक करोगे, सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा न्यू ग्रुप का, आपको एक ग्रुप बनाना है। उसमें सबसे पहले आपको अपना नंबर एड करना है और उसके बाद दोस्तों उस इंसान का नंबर एड करना है जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, और तीसरा नंबर एड करना है दोस्तों आपको अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का जिसका फ़ोन आप कुछ टाइम के लिए अपने पास रख सको। ग्रुप बनाने के बाद दोस्तों आपको फ़ोन लेना है जो आपके फैमिली मेम्बर का है, और उसका व्हाट्सअप ओपन करके आपको उस ग्रुप में से एग्जिट कर देना है। अब दोस्तों, इस तरीके से आप उस नए ग्रुप में सिर्फ दो मेंबर रह जाएंगे, एक आप और एक वो नंबर जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है। तो अब आप उस ग्रुप में कोई भी मैसेज करोगे, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा ही मैसेज हो, सिर्फ उसी इंसान को शो होगा जो उस ग्रुप में है। तो दोस्तों, इस तरीके को यूज़ करने के बाद आप ब्लॉक में रहने के बावजूद भी किसी को भी मैसेज कर सकते हो, चाहे आपको दोस्तों किसी ने भी ब्लॉक किया हो, कितने भी लोगों ने किया हो, आप यही तरीका अपना सकते हो और मन चाहे उतने मैसेज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मैसेज करने में, आपको बस यही तरीका अपनाना है। तो दोस्तों, जब भी कोई आपको ब्लॉक करे और आपको उसके पास कोई अर्जेंट मैसेज भेजना हो जिसमें कोई वीडियो क्लिप है या कोई फ़ोटो है, और वो बंदा आपकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आप यही तरीका अपना सकते हो और उसे वो मैसेज भेज सकते हो। जो तरीका मैंने अपनाया है, आपको वही तरीका अपनाना है और आप आसानी से उस तरीके को अपनाकर कोई भी मैसेज, कोई वीडियो सामने वाले बंदे के पास भेज सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तरीका अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप किसी की भी ब्लॉक में रहने के बावजूद उसके पास कोई भी मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।